क्या है। जम्मू और बारामूला में भारी मतदान कर आपने आतंकियों के आकाओं, पाक परस अवसरवादियों और निराशा में डूबे महामिलावटियों को एक कड़ा झटका दिया है, कड़ा झटका दिया है। और मैं आपको बताऊं, मैं पूरा देश का दौरा करके आया हूं, पूरे देश का भ्रमण करके आया हूं। जम्मू आया था, उसके बाद अनेक राज्यों में जाकर के आया हूं। और मैंने 2014 से भी जबरदस्त लहर देखी है। और आपने देखा होगा, जितने सर्वे आ रहे हैं, सर्वे में एक बात साफ है कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिलने की संभावना है, भाजपा को उससे तीन गुनी सीटें मिलने की संभावना है, ये सर्वे वाले कह रहे हैं। और इसलिए अब कांग्रेस का तो बचना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में तैनात सेना के जवानों, केंद्रीय बलों के जवानों, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी मैं प्रणाम करता हूं। आपकी तपस्या और शौर्य के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। साथियों, राजनीति अपनी जगह होती है, चुनाव अपनी जगह होते हैं, लेकिन ये भी न भूले, नेता भी आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हमारा ये देश हमेशा हमेशा रहेगा। ये देश है तभी राष्ट्र रक्षा का भाव और राष्ट्रवाद है। लेकिन देश में कुछ लोग मोदी के विरोध में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको राष्ट्रवाद गाली के रूप में नजर आने लगा है। महामलावटी और उनके राग दरबारी आए दिन सवाल पूछते हैं कि मोदी राष्ट्र रक्षा की बात क्यों करता है। भाइयों और बहनों, देश की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी ये भी पता चलता है कि कुछ लोग देश में क्या चलाना चाहते हैं। जब मैं राष्ट्रभक्ति की बात जोरों शोरों से करता हूं तो उनका भी नकाब उतर जाता है कि वो कहां